कहते हैं किस्मत बुलंद होती है तो सारे बिगड़े हुए काम बनते जाते हैं। हरियाणा में किस्मत ख़राब हुई लेकिन राजस्थान में किस्मत खुल गई। हरियाणा की रहने वाली नौछम चौधरी की, नौछम चौधरी जो हाल ही में चर्चाओं में आई भरतपुर ज़िले की कामा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती हैं। 30 वर्षीय नौछम चौधरी जो SC समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, हरियाणा के नूह की रहने वाली हैं, नूह के पेमाखेड़ा गांव की रहने वाली हैं। वर्ष 2019 के हरियाणा विधानसभा सीट से वह बीजेपी के टिकट पर पोनहाना से चुनाव लड़ी थी मगर तीसरे नंबर पर आई थी यानी हार गई थी। वहां किस्मत नहीं चली लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में नौछम चौधरी की किस्मत खुल गई और वो बीजेपी के टिकट पर कामा विधानसभा सीट से विधायक बन चुकी हैं। दरअसल कामा जो विधानसभा सीट है वह मुस्लिम बाहुल्य सीट है जहाँ जाहिदा खान और उनके पिता चौधरी तैयब हुसैन का बोलबाला रहा है। सिर्फ दो बार ही चुनाव हारे हैं काफ़ी लंबे समय से और यही लोग जीतते रहे हैं। नौछम चौधरी को जब बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर कामा से भेजा था तो वहाँ भारी प्रत्याशी होने का ठप्पा उन पर लगा था लेकिन नौछम चौधरी के लिए भी जीत हासिल करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब भाग्य बुलंद हों, किस्मत बुलंद हों तो सारे रास्ते खुल जाते हैं और ऐसा ही कुछ नौछम चौधरी के साथ होता है क्योंकि जाहिदा खान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का एक धड़ा लामबंद हो गया था और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी अपना एक निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तार अहमद को खड़ा कर दिया था। अब आप लगाइए जो जाहिदा खान के खिलाफ उनकी ही समुदाय के निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तार अहमद ने करीब 64,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किए और जाहिदा खान ने 58,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किए, यानी मुस्लिम जो वोट हैं उनका डिवाइडेशन हो गया जिसका फ़ायदा सीधा सीधा सा नौछम चौधरी को मिला। नौछम चौधरी 78,000 वोट लेकर विजयी रही। अगर हम अनुमान लगाएं, इसका आंकड़ा लगाएं तो मुस्लिम समुदाय के जो दो प्रत्याशी थे जाहिदा खान और निर्दलीय मुख्तार अहमद 64,000 और 58,000 वोट लेकर के आए थे। कुल मिलाकर दोनों मुस्लिम समुदाय के ये दोनों प्रत्याशी जाहिदा और मुख्तार अहमद 122,000 मत लेकर आए थे जो डिवाइड आपस में हो गए। कहा जा रहा है कि अगर मुख्तार अहमद खड़े नहीं होते तो फिर नौछम चौधरी का जितना बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन फिर वही बात कि सब कुछ भाग्य पर डिपेंड करता है। फिलहाल नौछम चौधरी राजस्थान के भरतपुर की कामा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बन गई हैं। उन्होंने तमाम तरह के जो वादे किए, हमारी जो बात हुई कि आधारभूत जो सुविधाएं उनमें विकास किया जाएगा और जो करप्शन है उसको इरेडिकेट किया जाएगा। अब कितनी सफल होंगी कितनी विफल होंगी वो तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल युवा चेहरा है क्योंकि नौछम चौधरी की उम्र सिर्फ 30 वर्ष है, युवा चेहरा माना जा रहा है, पढ़ी लिखी हैं, लंदन से रिटर्न है तो उम्मीद की जा रही है काफ़ी विकास पर वो ध्यान दे सकती हैं, काफ़ी विकास यहाँ पे कर सकती हैं। लेकिन एक ये भी बताया जा रहा है कि नौछम चौधरी क्या हरियाणा दिल्ली ही रहेंगी या फिर 5 वर्ष तक कामा विधानसभा में ही कहीं रहेंगी, ज़्यादातर लोगों का ध्यान रखेंगी, ये भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नौछम चौधरी को जो मौका जनता ने दिया है इसके लिए नौछम चौधरी को 5 वर्ष यहाँ रहना होगा जिससे लोगों की समस्या का समाधान हो सके, क्षेत्र का विकास हो सके, जो दावे वादे नौछम ने किए हैं लोगों से उनको पूरा किया जा सके। और मेवात जो क्षेत्र है वो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसलिए नौछम का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास करना है। कितना विकास कर पाएंगे वो तो 5 साल के बाद जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जो उनके कार्यप्रणाली रहेगी, काम रहेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना फिलहाल ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की यह बेटी जो हरियाणा में तो हार गई थी लेकिन राजस्थान ने उनकी किस्मत बुलंद कर दी, उनको विधायक बना दिया है। अब विधायक तो बना दिया है, इस पूरी आकांक्षाओं पर नौछम चौधरी कितना खरा उतरती हैं ये आगामी 5 वर्ष में देखने को मिलेगा।